बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मार्स हाईटेक इंजीनियरिंग पे खुश आमदीद। मैं हूँ इंजीनियर शाहिद। नाज़रीन, अब मैं आपको हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बताऊँगा। एंटर के बटन को 3 सेकंड से ज़्यादा प्रेस करेंगे तो हम इसकी सेटिंग मोड में दाखिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सेटिंग नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन USB आता है, यानी यूटिलिटी सोलर बैटरी। सेकंड ऑप्शन आता है SUB यानी सोलर यूटिलिटी बैटरी। तीसरा ऑप्शन आता है SBU यानी सोलर बैटरी यूटिलिटी। तो हम इसमें SUB का ऑप्शन रखेंगे, जो कि दी बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद सेटिंग नंबर 2 में जाएं तो सेटिंग नंबर 2 करंट के ऑप्शन है, जो कि 10 एम्पीयर से लेकर मैक्सिमम 60 एम्पीयर या 80 एम्पीयर तक हम जा सकते हैं। सेटिंग नंबर 3 पे हम AC इनपुट वोल्टेज रेंज रखते हैं, जो कि हमारी APL अप्लाइंसेस और UPS का मतलब है कि इसमें हमारे UPS की है। फिर सेटिंग नंबर 5 में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, AGN, फ्लडेड और यूज़र। तो अगर हम ट्यूबलर बैटरी यूज़ करें तो बाई डिफ़ॉल्ट हम इसे फ्लडेड पर रखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़र रखा है ताकि हम आपको फ्यूचर में इसके यूज़र की सेटिंग बताएं, जिससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है। इसके बाद 6 नंबर ऑप्शन है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड, 7 नंबर है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड टेम्परेचर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 9 पे, और 10 नंबर आउटपुट वोल्टेज। इन सब को बाई डिफ़ॉल्ट रखते हैं। 11 नंबर पे मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट के बारे में है, और फिर 12 नंबर की चार्जिंग के अंदर ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसके अंदर हम लो कट ऑफ वगैरह इसके डिफ़ाइन करते हैं। फिर इसके बाद सेटिंग नंबर 16 की बात आ जाए तो सेटिंग नंबर 16 पे चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी को एडजस्ट करते हैं, 18, 19, 20, 22 और 23। इनको हम चेंज नहीं करते, ये एक्चुअली जो है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले है, बैकअप कंट्रोल है, बीप के बारे में है, और इसी तरह की और सेटिंग है। 25 नंबर सेटिंग की अगर हम बात करें तो ये रिकॉर्ड फॉल्ट कोड है। 26 नंबर पे बल्क चार्जिंग वोल्टेज है, जो कि हम यहाँ पे हमने 28 वोल्ट रखी है, और इसके फ्लोटिंग वोल्टेज को हमने 27 वोल्ट रखा है। ये 5 नंबर सेटिंग के साथ जब हम यूज़र सेटिंग करें तो इसके साथ इंटरलेट करता है, इससे बैटरी की लाइफ जो है बढ़ती है। इसके बाद हम चले जाते हैं 29 पे, जो कि लो वोल्टेज लो कट ऑफ के वोल्टेज एडजस्ट करते हैं। 30 नंबर पे बैटरी इक्वलाइजेशन है, 31, 33 और 34 पे बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। अगर हम ये सेटिंग करें तो 1 महीने के बाद ये सेटिंग दोबारा करता है। तो नाज़रीन, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। नाज़रीन, आने वाली वीडियो में हम नाइट्रॉक्स इनरेक्स के नाइट्रॉक्स के बारे में उसकी सेटिंग की तफसीलात बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।